कोई भी समाज हो, स्त्री का विधवा होना एक दयनीय दृष्टि से देखा जाता है, उस पर लांछन भी लगाए जाते हैं, और ये एक महिला के लिए काफी दुखद स्थिति है। समाज में नारी को स्थान देना लोगों को काफी भारी लगता है। इनके लिए कई तरह के नियम भी बनाए गए हैं, जैसे कि सफेद वस्त्र पहनना। आपने ज्यादा फिल्मों में देखा होगा कि एक विधवा पूरी जिंदगी सफेद वस्त्र ही पहनती है, पर क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? तो आइए जानते हैं। अगर शास्त्रों के बारे में बात की जाए तो इनके अनुसार विधवा महिला की दोबारा शादी नहीं की जा सकती, क्योंकि नारी के लिए पति को परमेश्वर माना जाता है। ऐसे में पति का निधन हो जाने पर महिला को भी संसार का हर माया मोह त्याग कर सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि पति के गुजर जाने के बाद स्त्री को प्रभु की शरण में चले जाना चाहिए। सफेद वस्त्र धारण करने के पीछे एक और तथ्य है कि रंगीन कपड़े भौतिक सुविधाओं की याद दिलाते हैं, जिनसे एक विधवा नारी को दूर रहना चाहिए। विधवा महिला को सात्विक आहार लेना चाहिए और एक प्रायश्चित वाली जिंदगी जीनी चाहिए। हमारे देश में आज तरक्की की राह पर चलते हुए भी कई जगह ऐसी है जहां पर विधवा हो जाने पर महिलाओं के साथ अमानवीय कार्य किए जाते हैं। कई जगह महिलाओं के बाल काट दिए जाते हैं और उनका जीवन समाज से अलग थलग कर दिया जाता है। पर शर्म की बात है, नारी सम्मान के लिए जहां इतनी बातें की जाती है, वो लोग शास्त्रों और परंपरा के नाम पर नारी का शोषण तो करते हैं, पर ये नहीं सोचते कि यदि किसी पुरुष की पत्नी मर जाए तो उसका जीवन कैसा होना चाहिए। जहां हमारे समाज में विधवाओं को सांस भी पूछ कर लेनी पड़ती है, वही पुरुषों की खुलेआम दूसरी शादी तक कर दी जाती है। क्या इसके लिए हमारे शास्त्र इजाजत देते हैं? आपको क्या लगता है, क्या ये दोहरा नियम सही है? तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।